अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? खुदा के फजल से आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हमारी हो गई बाइक ख़राब, हम लोग कहीं गए हुए थे और बाइक हो गई ख़राब। बाबा हाय करो। हाय। तो मेरी हो गई बाइक ख़राब और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी। अब भाई जो है ना, मिट्टू भाई, वो देखे गाड़ी से ही करवा रहे और मैं जो हूँ यहाँ पे दरख्तों के नीचे बैठ गई। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। मैं गई थी, मेरी कज़न की तबीयत ख़राब थी तो उसको देखने गए थे हम लोग उनके घर पे। तो बस अभी हम लोग घर पे आ ही रहे थे तो बाइक ख़राब हो गई और इस कदर गर्मी है, इस कदर गर्मी है। और सुलेमान की देखे गर्मी से क्या ने डाल हुआ है, मुझे कह रहा था मम्मा बहुत गर्मी है। तो अब गाड़ी जैसे ही सही होती है फिर जाते हैं। बच्चे सो रहे थे, ये तो मेरे साथ आ गया था और कैरल और सैरी सो रहे थे। अब देखते हैं वो कहेंगे तो फिर जाके देखते हैं उन्होंने क्या किया। वो अभी तक सो रही हैं या उठ गई हैं, तो फिर जाते हैं घर पे तो फिर मैं दिखाती हूँ। अभी सो के उठी हैं और वो दलिया खा रही है शिकायना का, और दूसरी वाली जो है ना सेवें खा के बैठ गई है। कैरल तो जो है ना दलिया खाने और वो फिर से दलिया खा रही, और सिर्फ इन्हें लड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता। बाबा इधर आ जाओ जी। तो हम लोग आ गए थे घर पे और आते हुए सब्जी लेके आए, करेले, और आज चिकन बनाने लगे। देखे करेले ये जी। तो देखे अब ये करेले धुल रहे हैं हम लोग। करेले ऐसे कड़वापन निचोड़ निचोड़ के निकालते हैं इसका, खूब हम मतलब मल के धोते हैं नमक लगा के, और फिर इनको निचोड़ के और इनका कड़वाहट निकालते हैं। फिर इतनी अच्छी तरह धोते हैं कि ये कड़वे बिल्कुल नहीं रहते, और मेरे करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो अब मैं और दिखाती हूँ आपको दूसरी चीज़ें अपनी जो मैं इसके लिए तैयार कर ली है मैंने, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखें मेरी चिकन हो गई है, ब्राउन होने के लिए मैंने रखी हुई है, और चिकन ब्राउन हो जाएगी और फिर मैं डालूँगी उसमें मसाला। मैंने चॉप करके अदरक लहसुन हरी मिर्चें रखी हैं, और फिर मैंने रखा है टमाटर, और मैं सिर्फ अदरक लहसुन और हरी मिर्चें चॉप करके डालती हूँ, और टमाटर मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें। और साथ में देखे मेरी चाय भी पक रही, कावा पक गया है, और मेरा चिकन हो रहा है ब्राउन। और फिर अब मैं मसाले इसमें डालूँगी, ये वाले अदरक लहसुन डाल के इसमें मैं भूनूँगी, और नमक डाल के, हल्दी डाल के, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको मसाला डाल के। जी तो देखिए मैंने मसाला डाल लिया इसमें, मैंने डाला अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो चॉप करके मैंने रखी थी वो डाली है, हल्दी डाली, नमक डाला है, और मैं चाय भी दूर डाल दी है, चाय पक चुकी है। और जी तो देखिए मैंने प्याज कर ली है ब्राउन। मेरी कढ़ाई ज़रा पुरानी है क्योंकि यही थी बड़ी, तो मैंने यही यूज़ कर ली। और जी तो देखिए मेरे करेले हो गए तैयार और खाना खा रहे हैं अब नदीम, सनिया और दीमा। हमारे पास दो दीमे बैठे, अब तो हम दोनों के कमेंट सुनेंगे कि करेले इनको कैसे लगे। नदीम बताओ, नदीम पहले बताएं हैं। अच्छा, और अच्छा ओ, तो दीमा आप बताएं, दीमे बताओ। आओ, मैं बेवा को भी अच्छा बना दिया ना, तो सनिया को भी अच्छे लगे। सनिया भी हंस रही है और हाय भी कर रही है। हाँ तो अब ये खाते हैं तो फिर चाय बनती है, फिर मिलवाती हूँ अगर चाय पियेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और सनिया का कट उसको बहुत पसंद आया। तो चले अब खाना खा लें ये लोग, तो फिर इन्होंने जाना है क्योंकि जी। तो फाइनली मैं हो गई हूँ फ्री, पूरा दिन छुट्टी भी थी तब भी ऐसे लगता है जैसे हम काम पे ही हैं, बल्कि मैं जॉब पे तो बंदा फिर भी थोड़ा बहुत बैठ जाता है, लेकिन घर की ड्यूटी बहुत टफ है। 3 दिन हम लोग घर पे थे, 3 दिन घर के काम नहीं ख़त्म हुए, और आज हमारे मेहमान भी आए हुए थे तो उनको भी मैंने खाना खिला के भेजा, और फिर घर का थोड़ा सा काम करवाया है। बर्तनों की मेरी अलमारी थी वो छोटी सी, तो वो जिसमें मैं अपने मतलब कांच के बर्तन रखती थी, तो वो
टूट गई थी थोड़ी सी, तो उसको रिपेयर करवा के वो लगवाई है। तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही, अभी रात के बज गए 11 और अभी मैं फ्री हुई हूँ और मैंने बनाई अपने लिए, देखिए मेरी चाय की है, देखिए मैंने खूब पत्ती डाल के अपनी चाय स्ट्रॉन्ग की है, इतनी डार्क हो गई है पक पक के, मैंने खूब पकाई और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी ये चाय पीऊँ और मेरी थकन उतरे, क्योंकि मैं इतना थक चुकी हूँ ना बस, कि मैं अब सोच रही थी अच्छी सी चाय पीऊँ और थोड़ी सी आपके साथ बात करूँ कि मतलब हमें घर पे भी वाकई ही जो घर पे हमारी बहनें होती हैं जिनके बच्चे हैं, वाकई बहुत मुश्किल है। मतलब हम लोग तो काम पे होते हैं तो पूरा दिन रूटीन चलती रहती है, घर में काम, फिर वहाँ जाके, और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, हम लोग भी फ़न भी कर लेते हैं, गैदरिंग हो जाती है, लेकिन घर में वाकई बहुत मुश्किल है और बच्चे बहुत तंग करते हैं। अब जाहिर है कल से स्कूल चले जाएंगे, कल से तो वो कह रही है, कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे हम, परसों से जाएंगे, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब कल जाएंगे, तैयारी तो वैसे वो करके लेती है, अब सुलेमान का मूड भी ऐसा ही है, वो कह रहा था मेरे कपड़े नहीं तैयार करो, तो अब देखते हैं क्या होता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा, इतनी बारिश हुई है फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हुई है। गर्मी ऐसे, अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, मगर ऐसे लग रहा है जैसे बंदा पसीने से ऐसे नहाया ही नहीं, और गंदा बस हर जगह पे पसीना पसीना। और मेरी चाय बहुत मज़े की है, और मेरी नाइट की सोते हुए चाय ऐसी होती है, सैरिश भी बनाती, सैरिश ने पहले पी चुकी थी और मैं काम कर रही थी और मैं बिज़ी थी तो मैंने इसलिए चाय नहीं पी थी, तो अब मैंने अपने लिए सिर्फ एक कप बनाया स्ट्रॉन्ग सा। और सैरिश को हो रहा है कि मम्मा आपने अकेले ही अपने लिए बना ली, तो मैंने अब अपने लिए चाय बनाई है और मैं अब चाय पी रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। तो आज की मैंने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी सब वीडियो ज़ाहिर है आप देखते हो तो आपको कैसी लगी, आप फीडबैक दिया करें मुझे, ताकि मैं अपनी गलतियों को, ज़ाहिर है मैं इस चैनल पर नई हूँ तो मैं कोशिश करूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। तो आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहिएगा, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूं और हमारा सफ़र हमारा साथ बना रहे। तो अब मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।